All right. Make it. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, देखने वाले चाहने वालों, टुडे इज़ फ्राइडे। जैसे कि आप देख सकते हैं माय आउटफिट, मैं जा रहा हूँ मस्जिद जुमा पढ़ने के लिए। तो काम हमारा बिल्कुल स्लो चल रहा था, सो आई टेक अ डे ऑफ टुडे। सो हम जा रहे हैं अपनी मस्जिद करके पास वाली पर नमाज़ पढ़ने। नॉर्मली मैं काम के पास वाली मस्जिद में जाता हूँ, सो टुडे मैंने कहा आर ब्यूटीफुल मॉस्क क्लोज टू माई हाउस। सबको जुमा मुबारक। जैसा कि फ्राइडे वर्किंग डे होता है यहाँ पर, बट द मुस्लिम कम्यूनिटी हेयर ऑन फ्राइडे को टाइम निकाल कर जुमे के लिए आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं मस्जिद के बाहर भी, सो दिस लॉट ऑफ पीपल टाइम निकाल कर स्पेशली जुमे की नमाज के लिए आते हैं। नमाज हो गई, हमें निकले हैं यहाँ। सो हमारी मस्जिद में कल कार्निवल है, सो सी इफ वी कैन अटेंड टुमारो। आज तो किसी किसी ने छुट्टी की है। फ्राइडे पर छुट्टी और हम खाएंगे चना चौट। कैसी है? मुझे तो मैंने तो चखी, मुझे तो नहीं लगी, मुंह में पानी आ रहा है। कैसे हो सकता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पिछले 20 सालों से आखिर तुम कर क्या रही थी। तुम मुझे ऐसे कैसे? The next day. अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कल वो वाला पोस्टर कार्निवल वाला, तो हम जा रहे हैं कार्निवल मस्जिद। सो आप भी आइए हमारे साथ, हम लोग वॉक करके जाएंगे क्योंकि हमारे घर के पास है ये, तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, आपको तो नज़र नहीं आ रही होगी, बादल देखें इतने ज़्यादा। और कितने मिनट की वॉक है? 5 मिनट की वॉक है, ज़्यादा 6-7 मिनट की वॉक है। हम थोड़ी देर आगे गए और बारिश हो गई थी तेज, अब हम दरख्त के नीचे खड़े हैं। बारिश और मैं तो भीग गई हूँ, इसने पहनी हुई है कैप और हो गई है बचत, है ना। और कह रहे हैं हम लोग ने आज ही डिसाइड किया है वॉक का, और आज ही बारिश होगी। हमें पता भी था बारिश होनी है, लेकिन पता नहीं क्या सोचा। मैं तो इस दरख्त के साथ लग के खड़ी हुई हूँ, और उसके पास तो कैप है। ओके, मेरे तो कपड़े में से डायरेक्ट सर में जा रही है, अजर से बाद में बारिश में भीगी हूँ। रुक गई है, लेट्स गो जल्दी जल्दी, लेट्स वॉक फास्ट। हो तो रही है अभी भी थोड़ी थोड़ी, बट नॉट दैट मच। ओके, हम वॉक करके आ रहे हैं, और अगर आप देखें उस साइड पे तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखें पार्किंग दोनों साइड पे कहाँ तक है, और मस्जिद काफ़ी दूर है अभी, थोड़ी काफ़ी लोग जा रहे हैं वॉक करके, पुलिस भी खड़ी है। ओके जी, हम जहाँ यहाँ पहुँचाए हैं, और ये सारा मेला देख के मेरे तो एक्साइटमेंट का लेवल ही नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि आई लव दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो यहाँ पे स्पेशली हर कल्चर अपने लोगों को गैदर रखने के लिए ऐसे मेले लगाता है, और ऐसे ही हमारी मस्जिदों में भी जहाँ जहाँ भी जो जो भी मस्जिद है उनमें लगाए जाते हैं। यहाँ पे टोटल ऑफकोर्स मस्जिद है तो इस्लामिक कल्चर ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि बच्चे भी आएँ और अपने इस्लामिक कल्चर, अपना इस्लामी माहौल देखें कैसा होता है, लोग देखें। और वैसे यहाँ पे वैसे अगर बाहर जाएं तो ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती, इसलिए यहाँ पे बच्चों को लेके आएं, बच्चे भी देखें। और यहाँ पर जी ग्रैंड बाजार औरतों का लगा हुआ था, और बस ये यहाँ पे आ जाएं तो औरतें तो पागल हो जाती हैं, हम भी उन्हीं औरतों में से हैं। और ये इंडियन ड्रेस इतना मुझे अच्छा लगता है, आई थिंक इसको लखनऊई कुर्ता कहते हैं, बट आई लव दिस ड्रेस। और स्टॉलर वगैरह, हिजाब, अबाया, सब कुछ था।
अच्छे भी थे, रिजनेबल प्राइजेस में भी थे, और $5 का तो कहीं भी नहीं मिलेगा ऑफकोर्स। लेकिन मैंने यहाँ से नहीं लिया था, मैंने आगे से लिया था। फरू इतने एक्साइटेड हो रहे थे, बेगम ये देख लो, ये देख लो, ये कर लो, ये ले लो। जॉब काफी ज्यादा थे, हर वैरायटी में, हर स्टाफ में, और अच्छी प्राइजेस में। कौन सा वाला अच्छा है? प्राइस अच्छी है। आर यू गिविंग योर मनी? ये टोपी ले लो। $49 के सारे, मतलब $60 49.99 ना, ये तो बहुत अच्छा है यार। इसके बाद भी छोटे हैं ना। नीचे से मोर गया है। होल्स है, होल्स। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस वन। Oh my god, look at that dessert stall. Oof. Okay. Name first of all. Hannah. Okay, Hannah, tell me what you're doing. Hannah. You got a sample? चावल जी की चिप्स आपको क्या खाना है? मुझे कोई मसला नहीं, बताओ यार। फ्रेंच फ्राइज दे दो। ओके, कैन फ्राइज प्लीज? फ्राइज ओके, 1000 लेना। कैसे काट रहे हो? दिस इज सो यमी है ना। सही, वो डब्बे वाली फीलिंग आ रही है ना। आई लव इट। आप भी खाओ। बारिश आ गई है ना, मैंने कहा पानी पिलाना स्वाब का काम है, तुझे पता है। इधर नीचे आए हुए हैं तो मस्जिद भी देख लेते हैं। उधर से आते हैं ना, मैं उधर से आता हूं। ये वॉइस का ना, कोविड कोविड तो बस यहां से देख सकते हैं। जाहिर है मैं वॉइस के अंदर थोड़ी जाऊंगी। बस बस बारिश। सब कुछ ही बहुत ही प्यारा और अमेजिंग था, लेकिन ये वाला एरिया मेरा फेवरेट है और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। यहाँ पे सारे स्नैक्स थे वैसे, लेकिन मुझे अच्छे ये टेंट लग रहे थे। और जिसने स्नैक्स खाने हैं वो यहाँ से स्नैक्स की टिकट लें और स्नैक्स अपने इंजॉय करें। अल्लाह मोहम्मद, कितना प्यारा लग रहा है। Like it? I love it. अच्छा बताएं कैसा लगा आपको? हाय, बहुत मजा आया। मुझे तो हिजाब निकाब वाली लड़कियां देख देख के बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक इसीलिए करते हैं कि जो यंग हैं लोग, लड़कियां लड़के जो अपनी मस्जिद में आए इस्लाम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, और देखें कि कैसा ड्रेस वगैरह पहनते हैं। हाँ। और खाना वगैरह भी काफ़ी ऑब्वियसली टू सपोर्ट कम्युनिटी, जो हलाल फूड वगैरह हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। और वैसे भी ये इस्लामी की सब कुछ था, हलाल फूड। हलाल तो आपको ये नहीं होता, ये खा सकते हो। राइड्स ही बच्चों के लिए वो सारी फ्री थी, अगर अपने बच्चे लेके आए फ्री राइड्स पे जाएँ।
और उनके स्नैक्स के लिए जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं उन्होंने वो सेट रखा हुआ है कि जी आप $5 का कूपन ले लें और आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, ज़्यादा प्राइस ना दें। सो इट्स ऑल्सो लुक आफ्टर द पेरेंट्स टू। आती दफ़ा कितनी ट्रैफिक थी, देखो गाड़ियाँ कहाँ तक आ गई हैं, और अब तो ये सॉरी पार्किंग अभी दूसरी साइड पे लगी होंगी। सो इसी के साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि 70% लोग ऐसे ही देखते हैं। और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।